आयुर्वेदा के अनुसार हमारे शरीर में 443 प्रकार के रोग तब होते हैं जब हमारा खाना पचने के बजाय सड़ने लगती है। और आज का मॉडर्न साइंस भी यही कहता है कि 70-80% बीमारियों की शुरुआत हमारे पेट से ही होती है। यानी अगर हम लोग अपने भोजन को सड़ने से बचा लें तो शायद कभी बीमार ही ना पड़े। और हम लोगों का भोजन पचने के बजाय सड़ने तब लगती है जब हम लोग भोजन के दौरान या फिर भोजन के बाद कुछ ऐसे गलतियों को कर देते हैं जो कि हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं गलतियों के बारे में जानेंगे। तो कुछ भी हो जाए, एक बार वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आपकी सबसे पहली गलती है पेट को पूरा भर कर खाना। देखिए, हमारी जो आंतें होती है जिसमें भोजन जाकर इकट्ठा होता है उसका आकार हमारे मुट्ठी के समान होती है। और जब भी हम लोग भोजन करते हैं तो उस भोजन को पचने के लिए एक क्रिया होता है जिसे मंथन क्रिया कहते हैं। और इस क्रिया में होता क्या है कि भोजन अच्छे तरीके से टूटती है और उसमें पाचक रस ठीक तरीके से मिल पाती है। लेकिन जब हम लोग अपने पेट को पूरा भर कर खा लेते हैं तो मंथन क्रिया पूरी तरीके से रुक जाती है। आप इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, अगर एक बोतल को पानी से पूरा ऊपर तक भर दिया जाए तो फिर उस पानी को हिलाया नहीं जा सकता। ठीक उसी तरह जब भोजन पूरी तरीके से आंतों में भर जाती है तो मंथन क्रिया ठीक से हो ही नहीं पाता, जिसकी वजह से भोजन टूटती ही नहीं है और ऊपर से पाचक रस भी रिलीज नहीं हो पाता, और जिससे भोजन लंबे समय तक वहीं पड़ा रहता है और पचने के बजाय वो धीरे धीरे करके सड़ने लगती है और यहीं से गैस अपचन जैसी समस्या का शुरुआत होता है। इसीलिए जब भी भोजन करें एक लिमिट में करें, पेट को पूरा जबरदस्ती भर कर ना खाएं। आपकी दूसरी गलती है पाचक रस को ठीक तरीके से रिलीज ना होने देना। देखिए, अगर पाचक रस नहीं है ना तो हमारा भोजन किसी शर्त पे पच नहीं सकती। और हमारे बॉडी में पाचक रस सबसे ज्यादा दो ही जगह रिलीज होती है, पहला हमारे मुंह में लार के थ्रू और दूसरा हमारी आंतों में। लेकिन हम लोग पाचक रस को रिलीज होने से कैसे रोक देते हैं वो समझिए। सबसे पहला कि भोजन को ठीक तरीके से चबाते नहीं हैं। हम लोग थोड़ा सा भोजन को चबाते हैं और उसे तुरंत अपने पेट के अंदर ले लेते हैं और जिससे उसमें पाचक रस सही मात्रा में मिल ही नहीं पाती है और वो आंतों में जाकर भी ड्राई रहती है और जिससे वहां भी पाचक रस ठीक तरीके से रिलीज नहीं हो पाती है। और इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी भोजन करते हो तो उसे अच्छे तरीके से चबाकर जरूर खाएं। आयुर्वेदा तो हमें ये कहता है कि हमें एक निवाले को, यानी कि जो हमारा एक बाइट होता है, उसे 32 बार चबाना चाहिए। हाँ, 32 बार बहुत होता है, ऐसे अगर करें तो हमें भोजन करने में बहुत ज्यादा समय लगेगी। लेकिन आप 32 बार ना चबाएं, लेकिन इतना अपने भोजन को जरूर अच्छे तरीके से चबा लें कि वो आसानी से पच सके। आपकी तीसरी गलती है पाचक रस को पतला कर देना। देखिए, किसी तरह अगर आपके बॉडी में पाचक रस ठीक तरीके से रिलीज हो भी जाती है तो यहाँ पे आप लोग गलती क्या करते हो कि उस पाचक रस को पतला कर देते हो। और वो कैसे कि खाने के दौरान पानी पीकर या फिर खाने के बाद पानी पीकर। देखिए, जब आप खाने के बाद या फिर खाने के दौरान पानी पी लेते हो तो आपके आंतों में जो भी पाचक रस है वो पानी में घुलकर पतला हो जाता है और जिससे वो भोजन को ठीक तरीके से तोड़ नहीं पाता। और अगर आपका भोजन ठीक तरीके से नहीं टूट रहा है तो उसे पचने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप कोई सूखा भोजन कर रहे हो तब तो आप भोजन के दौरान 1-2 घूंट पानी पी सकते हो, लेकिन भोजन के अंत में आपको कभी भी पेट भरकर पानी नहीं पीना है। आप कम से कम भोजन के बाद 1/2 घंटा या फिर 45 मिनट के बाद ही पानी पिएं। आपकी चौथी गलती है खाना खाने के बाद नहाना। देखिए, हम में से बहुत लोगों का ये आदत होता है कि खाना खाने के बाद हम लोग नहा लेते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग भोजन करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन हमारे पेट की ओर ज्यादा होता है ताकि वो भोजन पच सके। लेकिन जब हम लोग भोजन के बाद नहा लेते हैं तो हमारे पूरे बॉडी का टेम्परेचर डाउन जाता है और जिसे मेंटेन करने के लिए ब्लड का सर्कुलेशन हमारे पूरे बॉडी की ओर ज्यादा होने लगती है और जिससे पाचन क्रिया पूरी तरीके से धीमी पड़ जाती है और भोजन ठीक तरीके से नहीं पच पाता है। और इसीलिए अगर आपको भोजन के बाद नहाना भी है तो कम से कम 1 घंटे के बाद ही नहाएं, नहीं तो भोजन से पहले नहा लें। आपकी पांचवी गलती है कि भोजन में फाइबर का ना होना। देखिए, फाइबर ही वो चीज है जिसकी वजह से आपकी भोजन पचती है और वो मल के रूप में आपके बॉडी से बाहर निकलती है। और फाइबर सबसे ज्यादा होता है हरी सब्जियों में और फलों में,
लेकिन हम लोग अधिकांश टाइम अपने घर का अनाज ही खाते हैं और जिसमें फाइबर ना के बराबर होता है और इसीलिए हमें कब्ज की शिकायत होती रहती है। और इसीलिए जब भी आप भोजन करें तो भोजन के दौरान थोड़ा बहुत सलाद या फिर भोजन के अंत में कोई फल का सेवन जरूर करें। आपकी छठी गलती है भोजन के बाद लेटना या फिर सोना। देखिए, हम लोगों का भोजन हमारे शरीर में ऊपर से नीचे की ओर ट्रेवल करता है और इसीलिए जब हम लोग खाने के बाद लेट जाते हैं या फिर सो जाते हैं तो भोजन पचने की प्रक्रिया पूरी तरीके से धीमी पड़ जाती है और साथ ही आंतों में कुछ भोजन का टुकड़ा हमारे ऊपर की ओर आने लगता है और जिससे सीने में जलन, एसिडिटी जैसी समस्या होने लगती है। इसीलिए आपको भोजन के बाद कभी भी लेटना या फिर सोना नहीं चाहिए। हाँ, कहीं पे आप आराम से बैठ सकते हो। तो ये 6 बहुत ही छोटी छोटी सी बातें थी जिसे आपको केवल ध्यान रखना है, कोई करने वाली बातें भी नहीं है। बस आप केवल ध्यान रख लेते हो ना तो आप 70-80% बीमारियों से तो ऐसे ही दूर रहोगे। तो हमें नीचे कमेंट करके एक बात जरूर बताइएगा कि आप लोग हमारे वीडियोस को किस स्टेट से या फिर किस कंट्री से देख रहे हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के और भी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।